आज की वीडियो में हम मारुति सुजुकी स्विफ्ट फ्रंट बोनट रिपेयर एंड हेडलाइट रिप्लेस करने वाले हैं, जो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बम्पर को रिमूव करेंगे, उसके बाद बोनट के अंदर जो मेटल गया हुआ है उसे ऊपर की तरफ रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए इसमें हमने हथौड़ा और पट्टे का यूज किया है। इस पूरे प्रोसेस में कंप्लीट हैंडवर्क है, इसमें हमने कहीं भी मशीन का यूज नहीं किया है। अब हम इसकी पूरे हिस्से की तुरपाई करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं पूरे हिस्से को हमने हाथ से ही तैयार किया है। मेटल पर तुरपाई करते समय बार बार उसको हाथ फेर के चेक करना होता है कि हमारी चादर कंप्लीट रिमूव हो रही है या नहीं। जिस जगह से कम रिमूव हो रही है उस जगह तुरपाई हैंडल ज़्यादा यूज किया जाता है। तुरपाई हैंडल से डेंटिंग करने के बाद अब हम इसके नीचे की चादर में पेस्टिंग लगा रहे हैं, ताकि वो अपनी ऊपर की चादर से स्ट्रेंथ बनाए रखे। कंप्लीट पेस्टिंग को अच्छे तरह भरने के बाद अब हम बोनट के पेंट को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हमने इसके अंदर कटर ब्लेड का यूज किया है, जिससे हम कंप्लीट पेंट को रिमूव करेंगे, जो आप ये देख सकते हैं। पेंट को अच्छे से रिमूव करने के बाद इसको हम साफ करेंगे ऊपर से कपड़े से। उसके बाद इसके अंदर हम बॉडी फिलर भरेंगे। ये आप देख सकते हैं, अच्छे से पेंट रिमूव करने के बाद अब हम इसके अंदर बॉडी फिलर भरना शुरू कर चुके हैं। बॉडी फिलर के इसके अंदर हम दो कोड लगाएंगे, जिससे कि बॉडी लेवल एक का हो जाएगा। उसके बाद हम इसे बॉडी फिलर को रिमूव करना शुरू कर देंगे। ऑटो बॉडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ में कमेंट भी जरूर करें। अगर आपका ऑटो बॉडी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कंप्लीट बॉडी फिलर भरने के बाद, इसके बॉडी फिलर को रिमूव करने के बाद ये दिखने में कुछ ऐसा लगता है, जो आप ये देख सकते हैं। कंप्लीट बोनट अपने लेवल पे है। अब इसके अंदर हम पेंट करेंगे। थैंक यू।